गलती से अकाउंट में आ गए 11,000 करोड़। देखते ही फटी रह गई आंखें। साक्ष अचानक बना करोड़पति। कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया की एक लड़की की दुनिया भर में खूब चर्चा हुई। उसके खाते में गलती से 24 करोड़ रुपए आ गए थे। उसने वापस करने के बजाय उसे ऐशो आराम में खर्च कर दिया। अब इसी तरह का मामला गुजरात से सामने आया है। वहां पर एक शख्स के डीमैट अकाउंट में करोड़ों रुपए आ गए। उसने बिना कुछ सोचे समझे ऐसा काम कर दिया कि बैंक वालों की नींद उड़ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला गुजरात के अहमदाबाद का है। वहां पर रमेश सागर नाम के शख्स के पास डीमैट अकाउंट था, जिससे वो शेयर मार्केट में पैसे लगाता था। हाल ही में उसने जब अपना अकाउंट खोला तो उसमें 11,000 करोड़ रुपए दिखाने लगे। रमेश को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके खाते में इतने पैसे हैं। उसने कई बार उसे चेक किया। इसके बाद उन्होंने दिमाग लगाया और उस पैसे से और ज्यादा पैसे कमाने का प्लान बनाया। सागर ने तुरंत उस पैसे में से 2 करोड़ रुपए की राशि शेयर मार्केट में लगा दी। ये सारा खेल बैंक सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से हुआ था, लेकिन सागर ने जो दिमाग लगाया उससे उनको जबरदस्त फायदा हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दिन रात को बैंक ने सारी राशि वापस ले ली, लेकिन उन्होंने जो 2 करोड़ रुपए मार्केट में लगाए थे उससे उनको 5 लाख रुपए का फायदा हुआ। वहीं मीडिया से बात करते हुए रमेश सागर ने कहा कि वो पिछले 5-6 साल से शेयर बाजार में निवेश कर रहा है। इसके लिए उन्होंने एक डीमैट अकाउंट खुलवाया था जो कोटक सिक्योरिटीज का था। 27 जुलाई को उनके खाते में अचानक 11,000 करोड़ रुपए दिखाने लगे। शुरू में तो उनको समझ नहीं आया कि वो कहां से आए, लेकिन बाद में उनको बैंक की गलती का एहसास हो गया। ऐसे में तुरंत उसमें से 2 करोड़ मार्केट में लगा दिए और 5 करोड़ का मुनाफा कमाया। हालांकि उसी रात बैंक ने सारे पैसे वापस ले लिए। वैसे बैंक ने ये पैसे वापस ले लिए, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये सब किसकी गलती से हुआ था। कुछ मीडिया हाउस ने बैंक से इस घटना को लेकर संपर्क किया, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। विशेषज्ञों के मुताबिक डीमैट के निवेशकों के पैन और खाता संख्या को वेरीफाई नहीं किया जा सकता, इसी वजह से बैंक कुछ भी नहीं बोल पा रहा। वैसे लोग उस शख्स के दिमाग की तारीफ कर रहे हैं। आमतौर पर लोग गलती से पैसा आने पर उसे उड़ा देते हैं, लेकिन शख्स ने उस पैसे से ही पैसा कमा लिया। जून 2021 में इसी तरह का मामला अमेरिका से सामने आया था। वहां पर डेरेन जेम्स नाम के शख्स के खाते में 3400 अरब रुपए गलती से आ गए थे। हालांकि उस शख्स ने ईमानदारी दिखाई और बैंक वालों को इस गलती के बारे में सूचित किया। 3 दिन तक उसके खाते में ये पैसे रहे, उसके बाद उसे बैंक ने वापस ले लिया। ऐसी ही दिलचस्प खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए यूवी इंडिया न्यूज के साथ।